बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? अल्लाह अच्छा रखो, सेहत दियो, हिदायत दियो, नमाजी बना दो, आजमाइश से बचाओ, आमीन आमीन। ये देखिए मिल्क मेड बना रही मैं, और एक लीटर दूध ली मैं, गर्म हो गई, और स्लो पे रख देना। पिंच ऑफ सोडा, सोडा डालते कि देखिए कप के जैसा आ गया, और शुगर 100 ग्राम, बिस्मिल्ला। एक दो इलायची फोड़ के डालूंगी मैं, अच्छी स्मेल आती। ये स्लो पे रख देती, अगर मीडियम पे रखे तो यही रह के हिलाते जाना। मैं इसको छोड़ दे रही हूँ गैस पे, मलाई भी जमने नहीं देना है, जब जब हिला के मलाई को अंदर छोड़ते जाना। ये दूध पूरा सूखने के बाद बताती मैं इंशाल्लाह। देखिए एक लीटर जाके आधा लीटर हुए, दूध पकड़े तो अच्छी स्मेल आती ना, हाँ बहुत अच्छी स्मेल आ रही। इलायची फूट के डाल रही हूँ इसको, लास्ट में गाढ़ा होने के बाद फिर बता दें। देखिए बनकर रेडी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर भी चेंज हो गए, सेम कंडेंस मिल्क का कलर आ गया ना, अच्छी स्मेल आ रही मेरे को। ये थोड़ा ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीसना है, उसके बाद बताती हूँ। गैस बंद कर दे रही, ढाप देती हूँ, उसके बाद बताती। देखिए ठंडा हो गया मेरा, इसको जो है सो पीस लेती हूँ। मलाई जो है सो पूरा जम गए ना, मिक्सी में डाल के पूरा पीस कर बताती। देखिए पीस ली मैं, टेस्ट करी मैं, रोज़ा खोल ली, देखिए थिकनेस 1 लीटर जाके 1.25 लीटर हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत टेस्टी है। रोज़ा खोल ली अभी मैं, देखिए अभी किसी बोतल में डाल के फ्रिज में रख सकते, 8-10 दिन रहता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत सा रेसिपी बना सकते इससे, रेसिपीज बहुत है, एक रेसिपी कल भी बताऊंगी इंशाल्लाह इससे। देखिए शेरकुरमा में, खीर में, किसी में भी डाल सकते आप। देखिए स्टोर कर लेती मैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए, पसंद आए तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह खैर। क्या देख रहे बेटे?